बीटा एक्सिस वेंटिलेटर एडल्ट पीडियाट्रिक वेंटिलेटर एंड पीछे से अपना ऑन होगा। ऑन होने के बाद आपको ऐसा डिस्प्ले आएगा और इसके अंदर आपको दोनों प्रेशर देने पड़ेंगे, एयर प्लस ऑक्सीजन, तब अपना ये रनअप होगा, अदरवाइज ये आपको अलार्म देता रहेगा। उसके बाद इस टाइप का अपना पैनल आ जाएगा, आपको एडल्ट पे अपना यूज़ करना है, पीडियाट्रिक पे करना है, वो आप अपना यहाँ से कर सकते हो। आपको स्टैंड करना है, स्टार्ट करना है या स्टैंड बाई करना है। अभी हम लोग एडल्ट मोड के ऊपर अपने इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपना टोटली सेटिंग भी हुई है, हमारी ऑक्सीजन की परसेंटेज है, बीटी है, स्पेसिफिक टाइम है, बर्थिंग फ्रिक्वेंसी है, पीक है, प्रेशर सपोर्ट है, और जो हम लोग यहाँ पे देंगे वो अपने को यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अभी ओ2 का हमारे पास सोर्सेज कम है, इस बारे हम आपको लिमिटेड ही बर्थिंग वहाँ पे चेक करवाएंगे। अभी 71 पे हम लोग आपको चेक करवा रहे हैं, जो ब्रीथिंग फ्रिक्वेंसी है, पेशेंट का वेट मल्टीप्लाई 7 चलता है। ये पेशेंट का अपना इंस्पिरेटरी टाइम है, इट मीन सांस लेने और जो छोड़ने का टाइम होता है वो स्टैंडर्ड 1.2 होता है। इसको आप टच से भी कर सकते हो, नोक से भी कर सकते हो। जो ब्रीथिंग फ्रिक्वेंसी रहती है एक स्टैंडर्ड अपना 12-20 रहती है। अच्छा, बाकी अपना फ्लो है, पीप है, जो स्टैंडर्ड पीप है वो 5 का रहता है। जो हम लोगों ने यहाँ पे अपना सेटिंग किया वो अपने को यहाँ पे शो आउट हो रहा है। अच्छा, लाइक हम लोग अपना जो पेशेंट को टाइडल वॉल्यूम दे रहे हैं उससे मिलता जुलता पेशेंट को अपना बेटी अपना जनरेट हो रहा है, प्लस वहीं एग्जिट भी हो रहा है, वहीं अपना ब्रीथिंग फ्रिक्वेंसी अपना जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 18 किया हुआ है अभी इंक्रीज हो रहा है। और अगर अभी हम इसकी अपना जो ऑक्सीजन की ब्रीथिंग है वो यहाँ पे हम लोग 60% पे एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये 59 है, अभी अपना 59 पे अपना ये कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ से इसमें स्क्रीन लेआउट यहाँ से अपना चेंज भी आप कर सकते हो, ये अलग से पैरामीटर आ जाएंगे। जो FiO2 है अपना 54 है, 59 किया हुआ है वहाँ पे आपको अपना डिस्प्ले भी हो रहा है। ऐसे ही अपना ब्रीथिंग फ्रिक्वेंसी है, पीप है, टाइडल वॉल्यूम है, वो सारा आपको अपना यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। 59 है, 57 यहाँ पे आ गया है। अभी 100% पे मैं ऑपरेट करवा रहा हूँ। इंक्रीज हो रहा है, 100 सेट किया हुआ है, 98-97 यहाँ पे चल रहा है। अभी हम इसको वापसी 71 कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। ठीक है, फ्लो सेंसर वाला भी डाल। यहाँ से हम लोग अपना जो मोड हमने सेलेक्ट किए हुए हैं वो हमारे यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ से कोई भी आपको अलार्म आ रहा है यहाँ से हम लोग रिसेट करेंगे। देन यहाँ से स्टार्ट और स्टैंड बाई हम लोग करेंगे, ये हमारा स्टैंड बाई मोड में वेंटिलेटर चला जाएगा, ये स्टैंड बाई हो गया। और इसके बाद लाइक अगर अपने को कोई मोड वगैरह चेंज करना है वो सारा हम लोग यहाँ से अपना कर सकते हैं। न्यू पेशेंट एडमिट करना है वो सारा हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फ्लो सेंसर इसका निकालना है, ये यहाँ पे ड्रैगर कंपनी का हम अपना फ्लो सेंसर दे रहे हैं आपको, इसको बस ओनली आपको अपना साइड में प्रेस करना है, देन आपको एग्जिट करना है इस टाइप से। और वापसी डालने के लिए आपको अंदर प्रेस करना है और ये जो रबड़ पार्ट है रबड़ पार्ट के अंदर आपको इसको प्लेस करवा देना है। ये अपना एक्सपायरी ये अपना वॉल है, ये परमानेंटली अपना इसके अंदर रहेगी और ये हमारा अपना चेंज होता रहेगा। और पीछे से अपना एक बार आप लेआउट ले लीजिए, यहाँ पे अपना ऑन ऑफ का बटन दिया होगा। और यहाँ से अपना ये दो जो अपना ये दिए हुए इनको अगर हम प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले की हम लोग अपना मोमेंट चेंज कर सकते हैं। बाकी अपना डॉक्टर को ये सिस्टम से ऑपरेट करना ही आता है। ठीक ठीक ठीक।